तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1990 को रिलीज़ की गई मूवी घायल के बारे में, और जानेंगे दोस्तों इस मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, कहानी और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, घायल मूवी एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने और दोस्तों प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र ने। दोस्तों, इस मूवी को 22 जून 1990 को रिलीज़ किया गया था। दोस्तों, इस मूवी में हमें संगीत दिया था, म्यूज़िक दिया था बप्पी लहरी ने। दोस्तों, इस मूवी में टोटल 6 गाने रखे गए थे जो कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। दोस्तों, इस मूवी को लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इस मूवी को 2 नेशनल अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें से दोस्तों बेस्ट एक्टर के लिए सनी देओल को और बेस्ट डायरेक्शन के लिए राजकुमार संतोषी को। तो दोस्तों, इस मूवी के बजट और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मूवी का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ रुपए और इसने मूवी ने लगभग इंडिया में 10 करोड़ रुपए कमाए थे, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 21 करोड़ रुपए कमाए थे। और दोस्तों, ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी, लेकिन ये दोस्तों दूसरे नंबर पे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। उससे पहले दोस्तों दिल फिल्म ने इससे ज़्यादा पैसे कमाए थे। दोस्तों, इस मूवी की लेंथ रखी गई थी लगभग 2 घंटे 43 मिनट और दोस्तों इस मूवी को 7.6 out of 10 की IMDb की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, आप बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, ये कहानी है अजय मेहरा उसके परिवार की। दोस्तों, अजय मेहरा का भाई अशोक जो कि एक व्यापारी होता है और उसके भाभी के साथ ही रहता है, तो अशोक मेहरा दोस्तों व्यापार में परेशान रहता है और जो अजय होता है एक बॉक्सर होता है जो ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर चला जाता है। मेहरा दोस्तों क्योंकि व्यापार में घाटे की वजह से उसमें बलवंत राय उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उसकी कंपनी को ख़रीद लेता है, जिसकी वजह से अशोक मेहरा बाद में उसे पता चलता है कि बलवंत राय एक क्रिमिनल है, उसके खिलाफ वो सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। जब बाद में अजय मेहरा वापस आता है तब उसे पता चलता है कि अशोक घर नहीं आ पा रहा है कुछ रीजन की वजह से। तो उसके बाद दोस्तों उसके ढूंढने के लिए वो जाता है। एक बार अशोक मेहरा उसे मिलता भी है, लेकिन उसके बाद उसकी मुलाकात नहीं होती। बाद में दोस्तों वो उसका मर्डर हो चुका होता है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जब उसके अवैध संबंध बताए जाते हैं अजय मेहरा और उसकी जो भाभी, उसके बीच अवैध संबंध बनाए जाते हैं जिसके कारण उसकी भाभी आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये मूवी जो अजय मेहरा है वो कानून के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि उसका कानून से विश्वास उड़ जाता है, ना उसे रिपोर्ट लिखी जाती है ना उसके भाई को ढूंढा जाता है। दोस्तों उसके बाद अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, अपने भाई के जो मर्डर है उनको पता करने के लिए वो जी जान से मेहनत करने लगता है, वो जेल भी जाता है। फिर दोस्तों जेल से भागने के बाद अपने आप को बेगुनाह साबित करता है और दोस्तों लास्ट में अपने जो भाई है अपने आप को बेगुनाह साबित करता है और लास्ट में फिर उसके बाद अमरीश पुरी जो कि बलवंत राय का कैरेक्टर कर रहे हैं उसे वो गोली मार देता है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और दोस्तों ये मूवी आपको एक साथ लगातार जोड़े रखती है शुरू से लेकर लास्ट तक, जो कि आपको रोमांटिक भी दिखाती है, एक्शन भी है और एक ड्रामा भी है, और एक परिवार की कहानी कैसे बताती है कि एक परिवार में ऐसी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी चीज़ें को कैसे संभाला जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 1, राजकुमार संतोषी की एज अ डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। इससे पहले वो गोविंद नैलानी के साथ असिस्टेंट डायरेक्ट कर चुके थे, कई सारी फिल्मों को उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्ट किया था। दोस्तों फैक्ट नंबर 2, राजकुमार संतोषी कमल हसन को देखकर ये फिल्म बनाना चाहते थे, उनके साथ बनाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों प्रोड्यूसर नहीं मिलने के कारण इस मूवी को उन्होंने नहीं बनाया। फैक्ट नंबर 3, सनी देओल के अपोजिट डिंपल कपाड़िया को लेने वाले थे एज अ हीरोइन, लेकिन धर्मेंद्र ने इसे मना कर दिया और बाद में मीनाक्षी सिरसादी से इस मूवी में काम करवाया गया था। फैक्ट नंबर 4, घायल मूवी के दोस्तों रीमेक भी बने थे, तमिल मूवी में, तेलुगु मूवी में, कन्नड़ मूवी में,
जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। नंबर 5, ए अब्बास सनी देओल को सिक्के साथ दोस्तों फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि सनी देओल अपनी फिल्म जो फीस है वो कम कर दें, और यदि फिल्म 100 दिन से ज़्यादा चल जाती है तो उसके बाद उन्हें 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो सनी देओल इस चीज़ को मान गए थे। फैक्ट नंबर 6, सनी देओल की जगह संजय दत्त को पहले लिया जाने वाला था, लेकिन संजय दत्त अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी थे, इस कारण से वो इस फिल्म को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो दोस्तों इस फिल्म को सनी देओल को दे दी गई थी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।